हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट एप्पल की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। इस खट्टी मीठी चटपटी सब्ज़ी को आप पूरी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सबके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए आप कोई भी तरह का एप्पल यूज़ कर सकते हैं, लाल, पीला, हरा। और अगर कुछ दिन पुराने रखे हुए एप्पल भी हों तो उनका इस्तेमाल भी आप सब्ज़ी को बनाने के लिए आराम से कर सकते हैं। मैंने इसमें एक ग्रीन खट्टा एप्पल भी यूज़ किया है, पर अगर आपके पास ना हो तो बाद में हम नींबू की क्वांटिटी उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इन सारे एप्पलों को मैंने धो लिया है, फिर इस तरह से हम पीलर से सारे एप्पलों को छील लेंगे। आप इसके लिए खट्टे या मीठे कोई भी तरह के एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पलों को छीलने के बाद इस तरह से हम उनके सारे बीज निकाल देंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में इसे हम काट लेंगे। आप जब बनानी हो सब्जी उसी वक्त एप्पलों को काटें, वरना फिर ये काले हो जाएंगे। अब एक पैन में हम 3 टेबलस्पून के करीब घी डालेंगे। इस सब्जी का टेस्ट घी में ज़्यादा अच्छा आता है, पर अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं। और घी के गर्म होने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून जीरा डाला है और थोड़ी सी, ये 1 पिंच के करीब हमने इसमें हींग डाली है। और ये 2 हरी मिर्चें हैं, वो भी इसमें हम काट के डाल देंगे। अब इसमें हमने हल्दी डाल दी और ये हमने जो एप्पल काटे थे वो भी हम इस तड़के में डाल देंगे। हमने सारे एप्पल इसमें डाल दिए हैं। इस इतनी सब्जी से आपकी 4 लोगों की सब्जी आराम से बन जाएगी। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस सब्जी को बच्चों को ये सब्जी बहुत पसंद आती है, और जब खाने के बाद किसी को पता भी नहीं चल पाता है कि ये आपने एप्पल से बनाई है। अब इसमें मैंने 1/2 कप के करीब पानी डाला है। अगर आपके एप्पल बहुत फ्रेश हैं, बहुत जूसी हैं, तो आप इसमें थोड़ा कम पानी डालें। अब इसे हम ढककर धीमी आंच पे पकाएंगे इसे गलने तक, और बीच में 1-2 बार हमने इसे चला लिया है। अब हमारे एप्पल गल गए, एक बार इसे चेक कर लें कि ठीक से गले या नहीं। अब इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कटा हुआ अदरक डाला है। एप्पल की सब्ज़ी में अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये साथ में कुछ चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर। अब इसे डाल के हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। कई बार हमारे एप्पल की क्वालिटी ऐसी होती है कि गलते गलते खुद ही मैश हो जाते हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आप मैश कर लें। अब 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाली है। अगर आपके एप्पल ज़्यादा खट्टे हैं तो आप थोड़ी सी चीनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आता है। और ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नींबू का रस डाला है। अब हमारी सब्जी बनकर तैयार है। इसमें हमने थोड़ा हरा धनिया डाल दिया फ्रेशनेस के लिए, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप इस एप्पल की सब्जी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एप्पल की सब्जी कैसी लगी। आप इसे इस तरह से हल्की सी रसीली भी बना सकते हैं, और चाहें तो एकदम ड्राई भी बना सकते हैं, तब आप पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।